राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार कबीर साहेब हैं, कबीर देव जी हैं, वो हम सभी आत्माओं के जनक हैं, वही हमारे पिता हैं। इसी परमेश्वर में वो सभी गुण हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। ये सर्व देव देव यही परमात्मा है जो सभी भगवानों का भगवान है, सबका मालिक है। अब प्रथम बार कोई श्रद्धालु ये वचन सुनता है कि कबीर देव, कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, सभी ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, तो ये बात, ये वचन कुनीन की तरह जिह्वा पर रखे नहीं जाते। क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना हुआ है वो लोक वेद सुन रखे है, वो दंत कथा सुन रखी है, हमने अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हमारे को। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव थे हिंदू धर्म के, जो आचार्य थे, गुरु थे, मंडलेश्वर थे, ये तत्व ज्ञानहीन थे। ये सभी ऋषि महर्षि ये तत्व ज्ञानहीन थे, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हमने परमात्मा की पहचान नहीं हुई और लोक वेद के आधार से जिस भी किसी देव को पूर्ण परमात्मा कहा गया उसको हमने सत्य मान लिया। क्योंकि जो आचार्य होते थे हिंदू धर्म के, गुरु होते थे, वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता होते थे और हमारे सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध हैं। अब बाद में अनुवाद कर दिया गया हिंदी में या अन्य किसी भी लैंग्वेज में, वो बाद की बातें हैं। प्रारंभ में अभी तक ये, प्रारंभ से लेकर अभी कुछ समय पहले तक ये सभी संस्कृत में विद्यमान थे और संस्कृत वाले तो अब भी एज इट इज हैं, अनुवादकर्ताओं ने अपनी अपनी भाषाओं में उनको ट्रांसलेट कर लिया है। अब जिस कारण से जनता जो थी, श्रद्धालु थे, वो उन गुरुओं पर, आचार्यों पर, मंडलेश्वरों पर विश्वास करते रहे कि ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत बहुत अच्छी धारावाहिक बोल लेते हैं और सभी सदग्रंथ भी हमारे संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जिस कारण से उस गुरुजी के विषय में कोई भी हमारे अंदर जो शंका उत्पन्न नहीं हुई, अविश्वास नहीं हुआ कि ये गलत कह रहा है। क्योंकि टीचर जो होता है वो विद्यार्थियों को जो भी ज्ञान देता है विद्यार्थियों के लिए स्वीकार्य होता है। अध्यापक से कुछ भी बोल रहा है तो बच्चे उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करते, सिरोधार्य करते हैं। एक अध्यापक ने एक कोई प्रश्न का उत्तर इतिहास का बच्चों को पढ़ाया
और उस लड़के का पिता भी एजुकेटेड था, लेकिन वो सर्विस नहीं कर रहा था, अपना अन्य व्यवसाय करता था। तो उस लड़के के पिता ने, फादर ने देखा कि जो बच्चे ने प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है वो गलत लिखा है। उसने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुमने ये गलत लिख रखा है। तो लड़के ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, हमारे गुरुदेव ने बोला है, ये सही है। तो पिताजी ने कहा, नहीं बेटा इसको ठीक कर लो। तो लड़का बोला, नहीं पिताजी बिल्कुल नहीं करूँगा, ये हमारे गुरुजी ने बोला है, हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे अध्यापक ने कहा है। तो पुण्यात्मा आज वही स्थिति आ चुकी है। ये जितने भी आचार्य गुरु थे ये भाषा संस्कृत तो अवश्य जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ये अपरिचित थे, जिस कारण से ये आज तक भी हमें हमारे सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को नहीं बता पाए। और आज वही तथ्य जो हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान हैं, जनसाधारण के रूबरू ये दास करवा रहा है, उनको सार्वजनिक कर रहा है इन सीडी के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से और पुस्तकें बना करके। अब उन गुरुओं को, उन आचार्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है जो अभी तक लोक वेद सुना रहे थे, दंत कथा सुना रहे थे। वो क्या कहते थे? कोई तो कहता था कि श्री विष्णु जी इज कंप्लीट गॉड, ये विष्णु जी ही सर्व समर्थ भगवान हैं और यही तीन रूप धारण कर लेते हैं, ब्रह्मा जी के रूप में ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी के रूप में ये सतीथि करते हैं और शिव जी के रूप में ये संहार करते हैं। कोई कहता था कि भगवान शिव महेश हैं, महेश्वर हैं, देवों के भी देव हैं, यही सबके उत्पत्ति करता है और यही तीन रूप धारण करके इस ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, यही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, मालिक हैं। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ये सृष्टि करते हैं, विष्णु जी का रूप धारण करके ही ये सतीथि करते हैं और स्वयं शिव रूप में ये सबका सहार करते हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है। तो ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी, हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर कहा करते थे। पुण्यात्माओं, जिस मार्ग पर हम चलते हैं, हम अपना सफर तय करने के लिए उद्धत होते हैं, तो उसकी जानकारी हमें थोरोली होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, फिर उस पर चलने का लाभ है। और यदि हम जाना चाहते हैं हिसार से दिल्ली और हम चल पड़े हिसार से सरसा की ओर, तो हमारा चलना व्यर्थ है। चाहे हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं, वो व्यर्थ है। और किसी कारण से आप हिसार से और सिरसा जा रहे हो और रास्ते में कोई इत्तेफाक से कोई व्यक्ति मिल जाता है, पूछ लेता है कहाँ जा रहे हो जेंटलमैन, तो आप कहोगे जी हम दिल्ली जा रहे हैं। वो व्यक्ति आपसे ये कहे कि ये दिल्ली वाला वे नहीं है, ये दिल्ली मार्ग नहीं है, ये तो आप उल्टा जा रहे हो, सिरसा साइड में पंजाब की तरफ जा रहे हो, तो उस जेंटलमैन को विचार करना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से दिल्ली जा रहा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है कि वो दिल्ली जा रहा है, लेकिन मार्ग गलत है उसका, उसकी दिशा गलत है। तो उस जेंटलमैन को, उस भद्र पुरुष को चाहिए वेरीफाई करें।
और वेरीफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है, या तो किसी और व्यक्ति से पूछे, और वो भी यही कह रहा है और आपका नहीं यकीन हो रहा, तो फिर मैप देखे, मैप अपना मानचित्र देखे और पूछे मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो लिखा है शहर का नाम कि आप यहाँ सिरसा आ चुके हो, सिरसा से 10 किलोमीटर दूर खड़े हो, तो फिर मानचित्र भी यही बता रहा है और सामने वाला जो भद्र पुरुष आपको बताना चाहता है कि आपकी दिशा गलत है, तो फिर क्या करना चाहिए? उस समझदार व्यक्ति होगा तो तुरंत मुड़ जाएगा, वो ये ना देखेगा मैंने इतना सफ़र तय कर लिया अब मेरा क्या बनेगा इतने सफ़र का, वो तुरंत मुड़ जाएगा और उस भूल को सुधारेगा। ठीक इसी प्रकार जो भक्तात्मा गलत साधना कर रहे हैं वो कुमार्ग पर जा रहे हैं, जिन पुण्यात्माओं को ये ज्ञान गलत प्राप्त है वो कुमार्ग पर जा रहे हैं, परमात्मा पाने वाला वो मार्ग नहीं है। और आपको अब ये दास कह रहा है कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, इससे वापस हो जाओ, और आप चले गए हो 50-60 किलोमीटर दूर कुमार्ग पर, और वहाँ आपको पता चलता है कि आप गलत आ गए, तो आपकी समझदारी है कि तुरंत वापस हो जाना चाहिए। और यदि आप ये सोचो कि अब इतने सफ़र का मैंने तय कर लिया, ये तो व्यर्थ गया, मैं तो वापस नहीं होऊंगा, तो ये बुद्धिमता नहीं, ये तो मूर्खता कही जाएगी। इसी प्रकार आप जी किसी भी इस गुरु इष्ट संत के पास किसी भी इष्ट की पूजा कर रहे हो, और आपने किसी ने 5 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष, किसी ने 20 वर्ष, किसी ने 30 वर्ष भी हो चुके हैं वहाँ डले ढो रहे हैं, आज आपको ये पता चलता है कि आपका मार्ग गलत है, तो आप जी को चाहिए, क्या चाहिए अब इसमें कर्ण की आवश्यकता नहीं गनी, बुद्धिमान को संकेत बहुत है, आपको चाहिए कि तुरंत उस मार्ग को त्याग कर, ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 वर्ष की साधना का मेरा क्या होगा, 30 वर्ष की साधना मैंने इस पंथ में कर ली मेरा क्या होगा, वो तो हो चुका है तेरा जो होना था, वो तो बर्बाद हो चुके हो तुम, आप जी को मार्ग पर इतनी सफर कर चुके हो 100 किलोमीटर, इससे वापस होना ही हितकारी है, आपका इसी में शुभ है, तुरंत वापस हो जाओ, त्याग दो उसको। अब परमात्मा कहते हैं भेड़ा देखा दर्दरा उत्तर चले फड़क, पहले बेड़ा होता था, बेड़े चला करते थे, दरिया पार करने के लिए नौका भी नहीं होती थी तो उसमें बेड़ा बनाया करते थे, बेड़ा, वो बेड़ा तो आपको याद नहीं होगा लेकिन ये समझ ले नौका है, जिस नौका में आप बैठे हो उस नौका में पानी भर रहा है, उसमें उसका नीचे का बेड जो है वो डैमेज हो चुका है, और साथ में दूसरे वाला बिल्कुल जो है सही नौका साथ में आ जाता है, और आपको पता चल जाता है कि ये तो डूबोगे तुम इस नौका में जिसमें बैठे हो, पानी भर रहा है इसके अंदर। तो कहते हैं परमात्मा, कहते हैं भेड़ा बेहरा देखा जर्जरा और उत्तर चले फड़के, डूबे थे पर उबरे। कबीर परमेश्वर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो बुद्धिमान होंगे वो ऐसा करेंगे, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक और भेरा देखा जर्जरा उत्तर चले फड़क। कहते हम तो डूबे थे 84 लाख योनियों में चले जाते, गुरु जी के ज्ञान से फिर हम फड़क गए एकदम, एकदम फड़कना माने न जबरदस्त भयभीत हो जाना, और एकदम फड़क के यानी ऐसे चमक के कूद जाना, एकदम चमक जाना, मतलब सेकंड का विचार भी नहीं करने का समय है, डूब रहा है तो एकदम दूसरा साथ में खड़ा है, अच्छा स्थान है तो उस पर चमक एकदम कूद जाना, उसको कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, एकदम चमक का पड़ा है भाई, एकदम ऐसे सतर्क हो जाना,
और बेहरा देखा दरदरा दरदरा माने टूटन डूबन न हो रहा है, तो उतर चले फड़क। तो उस पुण्यात्मा को अब विलंब नहीं करना चाहिए गुरु बदलन में, उस मार्ग में कितना ही चला गया उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। वो तो बिल्कुल कुमार्ग पर, आप तो 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर चले गए हो, वो आना वापस पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। आगे जितने कदम रखोगे वो गलत ही है, दूर ही जाओगे। तो जैसे कोई तो श्री ब्रह्मा जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री विष्णु जी सतगुण जी को रचयिता बताते हैं, कोई तमगुण श्री शिव जी को रचयिता बताते हैं, कोई श्री ब्रह्मा जी रजोगुण को ब्रह्मांड का रचयिता बताते हैं, सभी ब्रह्मांडों का। पुण्यात्माओं ये लोक वेद है। और कोई कोई कहता है कि दुर्गा ही सबकी सृष्टि सृजनहार है, जो दुर्गा जी के उपासक हैं, जो श्री देवी जी के उपासक हैं वो देवी जी को ही सब कुछ मानते हैं, और जो ब्रह्म के उपासक हैं, ब्रह्म वो ब्रह्म को ही सर्वेश्वर मानते हैं। तो पुण्यात्माओं हमने सबसे पहले ये मैप देखना होगा, अपने सद्ग्रंथों रूपी मैप को हम पुनः देखेंगे कि इस इन में हमें क्या मार्गदर्शन हुआ है, तो तब हम संतुष्ट होंगे। अभी तक तो हम किसी से कुछ सुन रहे हैं भगवान के विषय में, किसी महापुरुष ने कुछ ज्ञान दिया है, किसी ने कुछ दिया है, और हम विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, जो भी संत गुरु जी हमें जैसा भी भगवान के विषय में ज्ञान देता है, हम बिना किसी शंका के, बगैर किसी ऑब्जेक्शन के हम स्वीकार कर लेते हैं। तो पुण्यात्माओं आप इसके विषय में कि भगवान कौन है, सृष्टि रचना कैसे हुई, ये जानकारी हमें सर्वप्रथम होनी चाहिए, और तभी हम परमात्मा के मार्ग पर सफल हो सकेंगे, फिर हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने साधनाएं करते हैं, जो शास्त्रों में विद्यमान नहीं है जो ज्ञान और उसका समाधान, वो साधना व्यर्थ है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सुख प्राप्त होता है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर तुरंत ही 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा है गीताजी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य मीन जो भक्ति कर्म हमने करने चाहिए और जो ना करने चाहिए, जो त्यागने चाहिए और जो ग्रहण करने चाहिए, उनके लिए सद्ग्रंथ ही प्रमाण है, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। फिर गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से वचनों से हटकर केवल एक तत्व ज्ञान पर, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भक्त बनेगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, जब तू एक ज्ञान पर, शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर तू स्थिर हो जाएगी तेरी बुद्धि, फिर तू डगमग ना होकर के सीधे सुमार्ग पर चल पड़ेगा, फिर जितने भी कदम इस भक्ति सफर में रखेगा वो तेरे शुभ होंगे, लाभदायक होंगे। अब सृष्टि रचना के बारे में बहुत से असमंजस हैं। जैसे जैन धर्म के व्यक्ति श्रद्धालु आचार्य मुनि वो कहते हैं कि इस सृष्टि का कोई रचयिता नहीं, कोई इसका संहार करता नहीं, अनादि है, अपने आप बनती है, अपने आप ये चलती है। ऐसा ही नहीं, और भी बहुत से श्रद्धालु हैं, कोई कहते हैं विष्णु जी ने इसकी रचना की है,
जैसे अब पीछे हम बता चुके हैं। इसके विषय में आप जी को विस्तृत डिटेल से बताएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी का तो प्रसंग चला था कि ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, कंप्लीट गॉड है। ये विश्वास आप जी को नहीं हो सकता जब तक हम इनके गुणों से परिचित नहीं होंगे। और गुण कहाँ होते हैं? उनके जीवनी में, उनके इतिहास में लिखे होते हैं। जैसे विष्णु जी, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, इनकी जानकारी भी इनकी जीवनी में, इनके इतिहास में लिखी है, पुराणों में। और परमेश्वर कबीर जी की महिमा सूक्ष्म वेद में लिखी है, सूक्ष्म वेद में। आदि शंकराचार्य जी के इतिहास में दास ने पढ़ा, उन्होंने भी सूक्ष्म वेद का समर्थन किया है। आदि शंकराचार्य ने कहा है कि चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तो अवेलेबल हैं, लेकिन सूक्ष्म वेद वो पांचवा है। उसके विषय में उन्होंने कहा कि वो कैलाश पर्वत पर है। अब कारण क्या है कि पांचवें वेद को इस काल ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया सूक्ष्म वेद को। उस सूक्ष्म वेद को देने के लिए परमेश्वर स्वयं यहाँ आते हैं, अपने सतलोक से चलकर, मुक्ति धाम से, सनातन परम धाम से गति करके यहाँ आते हैं। उस छुपे हुए ज्ञान को जो काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने नष्ट कर दिया, यानी छुपा रखा है, वो किसी तक नहीं आने देता। तो उस पांचवें वेद को परमात्मा बताने के लिए आते हैं। उस पांचवें वेद में लिखा है, और उस वेद को, उस ज्ञान को परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से, अपने मुख कमल से बोला था। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक बताया गया है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रतों पर ही आधारित है, कोई प्राणायाम आदि करके ही अपनी साधना को सफल मानता है। ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का, धार्मिक यज्ञों का, यज्ञ माने अनुष्ठानों का विस्तार से विवरण चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने श्री मद भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने ज्ञान ना होने से अनर्थ कर दिया। उसमें लिखा है ब्रह्मण मुखे, मूल पाठ में ब्रह्मण मुखे लिखा है, अनुवादकर्ताओं ने लिख दिया ब्रह्मण मुखेकार से लिख दिया वेद की वाणी में, वो गलत लिख दिया, वो गलत अनुवाद किया है। ब्रह्मण मुखे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो अपने मुख से, मुखे माने अपने मुख से, मालिक ने जो बोली है उस मुख से बोली हुई वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और वो है कबीर वाणी। ब्रह्मणे का अर्थ यहाँ इन्होंने गलत कर दिया, वेद लिख दिया। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्थ है, वहाँ ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक किया है, क्योंकि वहाँ विचलित नहीं हुए, ये सचिदानंद घन ब्रह्म लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ। तो यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में भी ब्रह्मणे का अर्थ लिखना पड़ेगा, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई। फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है जो पांचवें वेद में लिखा है, सूक्ष्म वेद में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़ कर विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत जो उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता उस पांचवें वेद से परिचित नहीं है, इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि आप इस उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से समझो। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं वो पूर्ण ब्रह्म तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए।
उन्होंने 600 वर्ष पहले, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी सन 1398 में, यानी संवत 1455, विक्रमी संवत 1455 जून यानी ज्येष्ठ की पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे काशी शहर में लहर तारा तालाब में। फिर लीला करते हुए बड़े हुए, उनको एक नीरु नीमा नाम के जुल्हा उठा ले गए थे। उसी व्यवसाय में मालिक रहने के कारण वो परमेश्वर जुल्हा धारणक कहाए। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने उस सूक्ष्म वेद में लिखा है, बताया है। उसको ये दास अब अपने शब्दों में परमात्मा के ज्ञान को आप तक पहुंचाना चाहेगा। परमेश्वर ने बताया है कि सबसे पहले केवल अकेले पूर्ण परमात्मा थे, कबीर देव थे। वो अनाम्य लोक में रहते थे, अनाम्य, और परमात्मा अकेले थे। उसके बाद परमेश्वर ने अन्य 3 लोकों की ओर रचना की। अकेय लोक से नीचे वाला अनाम्य लोक कहो, चाहे अनामी लोक कहो, अकेय लोक कहो। अकेय लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नेक्स्ट अलख लोक है, और फिर उससे जो तीसरा स्थान नीचे सत्यलोक है, जिसको सनातन परमधाम कहते हैं। और सत्यलोक में परमात्मा सत्य पुरुष नाम से विद्यमान है। एक ही परमेश्वर ने अपने अन्य 3 रूप और बनाए। तो इस प्रकार प्रत्येक लोक में परमात्मा अलग अलग नामों से, अलग अलग स्थिति से स्वयं ही विराजमान हुए। अब सतलोक के अंदर सृष्टि रचना प्रारंभ की। अपुण आत्माओं, जैसे केवल पृथ्वी लोक पर ही, इस पृथ्वी ग्रह पर ही सृष्टि जो है विद्यमान है, और अन्य ये जितने ग्रह हैं, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये शनि ग्रह, ये सब खाली पड़े हैं। इसी प्रकार सतलोक के अंदर परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी, जिसको परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उन्होंने वहाँ सतलोक में रचना शुरू की। एक वचन से 16 द्वीप बना दिए, 16 द्वीप, और फिर एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। उन 16 पुत्रों को प्रत्येक द्वीप में रहने का आदेश दे दिया, और अपने उन 16 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अचिंत है। अचिंत से कहा, कुछ समय के उपरांत आगे सृष्टि रचना करो। परमात्मा ये दिखाना चाहते थे उन पुत्रों को कि समर्थ के बिना कोई भी प्रयत्न करता है वो सफल नहीं होता। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अब उस अचिंत ने अपने द्वारा उत्पन्न पुत्र को, वचन से जो उत्पन्न किया था, उसको ही अविनाशी पुरुष मान लिया, उसको अक्षर पुरुष नाम से संबोधित किया, और उसे कहा कि तू मेरा सहयोग करना सृष्टि रचने में। वहाँ परमात्मा ने प्रत्येक द्वीप में, जब द्वीप रचना की, प्रत्येक द्वीप में मानसरोवर की भी रचना की, एक अलग से मानसरोवर भी, कॉमन मानसरोवर भी रचना की। तो वो अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर नहाने लगा, नहाते नहाते गहरा चला गया, और वहाँ वो पानी में ही सो गया, निंद्रा आ गई। अपुन आत्माओं, सतलोक के अंदर श्वासों से शरीर नहीं है। बहुत समय तक वो बाहर नहीं आया, तब परमेश्वर कबीर देव जी ने उसी जल से जल लिया हाथ में, अपनी वचन शक्ति से उसको जादूगर की तरह एक अंडा बना दिया। उस अंडे में एक जीवात्मा प्रवेश करती,
उस अंडे को छोड़ दिया उस मान सरोवर में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे पहुंचा, तो वो अक्सर पुरुष की जो अधूरी निंद्रा भंग होगी, जिस कारण से वो कुछ कोपित हो गया, उस कोप से कोपित दृष्टि से उसने अंडे की तरफ देखा कि किसने मुझे डिस्टर्ब किया है, उस कोप से वो अंडा फट गया, अंडा दो भाग हो गया, उसमें से ये ब्रह्म निकला। अब आगे चल के इसी इतिहास में, इसी लीला कहानी में, अमर कथा में, या सत्यनारायण कथा जो दास आपको सुना रहा है, अभी तक जो विष्णु जी को सत्यनारायण मानकर सत्यनारायण कथा कहा करते थे, वो सत्यनारायण कथा नहीं थी। अब ये है सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान की कथा। तो उसमें से ये ब्रह्म निकला। आगे चल के आप तीन प्रभुओं से परिचित होंगे जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भिन्न हैं। एक सर्वब्रह्म, इसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, सर्वब्रह्म, और दूसरा ये अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म। ये अक्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, और अंडे से निकला ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्मन नाशवान, क्योंकि अक्षर पुरुष को तो अचिंत ने नाम दे दिया कि तू अविनाशी व्यक्ति उत्पन्न कर दिया मैंने अक्षर पुरुष। अब वो स्वामी जितना हो जाता है फिर वही पुरुष प्रभु, पुरुष माने प्रभु भी कहते हैं। तो अक्षर पुरुष कहो या अक्षर ब्रह्म कहो, एक ही के दो पर्यायवाची नाम है। इसी प्रकार सर पुरुष कहो, ये ब्रह्म जो अंडे से निकला ये सर पुरुष है, इसको सर ब्रह्म कहो, इसके पर्यायवाची नाम है। इसको ज्योति स्वरूपी निरंजन भी, काल भी, ये ब्रह्म ही आगे चल के काल भी कहा जाएगा। अब याद रखना, क्योंकि पुण्यात्माओं, जब तक आप इस इतिहास से परिचित नहीं होगे, सृष्टि रचना से, आप किसी भी सदग्रंथ को नहीं समझ सकते। तब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को कि तुम बाहर आओ, अचिंत पुरुष तुम निंद्रा में थे ना, वो अक्षर पुरुष तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब प्रोसेस अपनाया है, तुम बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब परमात्मा ने अचिंत से कहा कि अचिंत, अब देख लिया तूने, समर्थ के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। अब तू तो इसको बाहर भी नहीं निकाल सकता था, और आगे से ध्यान रखना कि बीच में टांग अड़ाओ मेरी क्रिया में, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से परिचित कराया है। तो अचिंत ने कान पकड़ लिए कि दाता, हम कुछ नहीं कर सकते। अब परमेश्वर ने आदेश दिया उन दोनों को, किसको, सर्वपुरुष अर्थात जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जो आगे चल के ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सिद्ध होगा इसी कथा में, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष को दोनों से कहा कि तुम उस अचिंत के द्वीप में रहो। इन दोनों ने आज्ञा का पालन किया, और तीनों कौन, अचिंत, अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष जिसको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, और यहाँ हम सीधी भाषा में उसको ब्रह्म भी कहने लग गए। आगे डिफाइन करेंगे ब्रह्म क्यों कहने लगे। अब ये तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं, बाकी जो अन्य 15 जने हैं परमात्मा के वचन से उत्पन्न वो पुत्र, वो अलग अलग सिंगल सिंगल द्वीप में रह रहे थे। कुछ समय उपरांत परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं को, आप जी को, सारे ब्रह्मांडों की जितनी आत्माएं हैं, अपने शरीर से, अपने वचन से उत्पन्न कर दिया, और वहां हम तेजो में शरीर में विद्यमान थे। नूरी शरीर है हमारा, यानी तेजो में शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है, उसमें नाड़ी, वो शुक्रम अकायम असनाविरम, वो जैसे हमारी शुक्र से बनी हुई काया नहीं होती जो माता पिता के संयोग से बनती है, उसमें नाड़ी आदि का जुगाड़ दौड़ नहीं होता, नाड़ी तंत्र नहीं होता, इसी ऐसा ही शरीर परमात्मा का है, साकार है, मनुष्य दृश्य है, तेजो में है, लेकिन परमात्मा के शरीर का और हमारे शरीर के नूर में, सामर्थ्य में,
शक्ति में और उसके नूर में प्रकाश में अंतर है। पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यानी कबीर देव जी का जो सतलोक में शरीर है उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी अधिक रोशनी है। और हमारा वहाँ शरीर कैसा था, जो शेष वहाँ रह रहे हैं उनका कैसा शरीर है, और हम जब परमात्मा ने अपने वचन से उत्पन्न किए थे तब हमारा कैसा शरीर था, मनुष्य दृष्ट था। और हमारा शरीर 16 सूर्य जितने प्रकाश युक्त था, हमारे पूरे बॉडी का शरीर 16 सूर्य जितना तेज था यहाँ की जो सूर्य, लेकिन गर्मी ना हो। हम सभी वहाँ रहने लगे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, वहाँ जरा और मरण नहीं था, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था और बुढ़ापा भी नहीं आता था वहाँ पर। अपुन आत्माओं, यह विचार करना कि हम यहाँ कितने दुखी हैं और फिर भी हम ये सोचे हैं हमारी मृत्यु ना हो, और जबकि हमें पता है कि मृत्यु तो डेफिनेट होगी, यहाँ का विधान है, और फिर भी हमारी मरने की इच्छा नहीं। कारण क्या है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहाँ मृत्यु नहीं होती थी, जिस कारण से हमें ये मरना अच्छा नहीं लगता। और बिल्कुल ठीक है भी, क्यों तो जन्म हुआ था और फिर क्यों मारे। 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष तो हम ये मकान मकून बुरान में लावा, फिर इसमें रहन पाते ना, एक मिनट में कड़च कर देता है यहाँ का भगवान। तो वहाँ जरा और मरण नहीं था, जरा माने बुढ़ापा। अब कोई भी बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, सब ने सोचा मैं युवा दिखूँ, और ये बड़े बड़े नेता तो सर्जरी करा कर मेकअप करना चाहे, कब तक करोगे, 10 साल पाचे फिर फ्यूज होगे। तो कहने का भाव ये है कि हम, हमारी नेचर है ऐसी कि हम युवा दिखें, लेकिन यहाँ तो बनावटी आर्टिफिशियल है सारा, और वहाँ ओरिजिनल था, तो हम वहाँ ऐसे रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत, यानी दिन नहीं है वहाँ पर, क्योंकि दिन हम वैसे बोल देते हैं, वहाँ दिन रात नहीं होती, तेजों में प्रकाश में वो लोक है, प्रकाश में सब आत्माएं हैं, प्रकाश में परमात्मा है, वहाँ सूर्य उदय और अस्त नहीं होता। तो वहाँ कुछ समय के उपरांत इस ज्योति निरंजन, जिसको सर्वपुरुष कहा है, जिसको सर्वब्रह्म कहते हैं, जिस जो गीता जी में अपने आप को कहता मैं काल हूँ, वो ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है। आगे इतिहास बताएंगे आपको, पूरा डिटेल देंगे, इसको धैर्यपूर्वक सुनना इस कथा को, क्योंकि ये पहली बार जो सुनता है उसको ऊटपटांग सी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रमाण जब देखोगे आप, आपको स्वीकार करना पड़ेगा और होगी स्वीकारी। कुछ समय उपरांत इस सर्वपुरुष में एक खरपतवार उत्पन्न हुआ, खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा कि हम तीन जने तो एक द्वीप में, और हमारे अन्य भाई एक एक द्वीप में रह रहे हैं। तो वहाँ ये विधान का पता चला कि तब से राज्य प्राप्त होता है, उसने खड़ा होकर के एक पैर पर तप किया, और 70 युग, यहाँ के 70 युग तक तप किया। तब पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, कबीर देव जी ने पूछा कि पुत्र तू किस लिए ये तप कर रहा है, क्या इच्छा है तेरी। तब इसने कहा कि भगवान, ये द्वीप मेरे लिए छोटा है, थोड़ा है, हम तीन एक द्वीप में रह रहे हैं, अन्य भाई मेरे अलग द्वीपों में एक एक रह रहे हैं, मुझे अलग स्थान चाहिए। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तुझे 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर ये सर्वब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको सर्वब्रह्म कहते हैं, सर्वब्रह्म, सर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो इस ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और सर्वब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ।
ये सर्वब्रह्म जो है इन 21 ब्रह्मांडों में, कभी उसमें जा कभी उसमें सैर सपट्टे कर देख रहा है इनको। फिर मन में सोच, इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर सत्ययुग तप फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ कोनी पिता से मांगता है, कुछ पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, सर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना खिलौने रखे दिन से, इनको पाके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर इसने सोचा कि मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा, तो फिर अकेला कैसे दिल लगेगा मेरा। इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मैं प्राप्त करूं भगवान से। इस क्षर ब्रह्म ने, इस काल भगवान ने फिर तप फिर प्रारंभ किया, एक पैर पे खड़ा हो गया। तो उधर से हम यहां इसके जाल में कैसे फंस गए, ये एक बहुत विशेष विचारणीय समय जो है ना बात है पुण्यात्माओं, एक विशेष विचारणीय विषय है कि हम क्यों फंसे। फिर चल इसने तो ऐसा कर लिया, प्राप्त हुआ अलग से, हम इसके साथ कैसे, हम जो फंसे हुए हैं ये इसके साथ फंसे हुए हैं, इस ब्रह्म के सर ब्रह्म के साथ हम यहाँ आ गए, जिस कारण से हम यहाँ दुख पा रहे हैं। अपने पिता को छोड़ा है जहाँ कोई अभाव नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी, तो हम कैसे फंसे कि हम वहाँ देख रहे थे इसके तप को, और जब ये खड़ा होकर तप कर रहा था एक पैर पे खड़ा होकर, हम सभी इस पर आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, ओहो हो देख कितने दिन से एक पैर पे खड़ा है, कभी इस पैर को कर लेता है कभी उस पैर पे खड़ा हो जाता है, और ऐसे करके खड़ा है कभी, तो हम इसकी इन अदाओं से इतने प्रभावित हो गए, हम अपने भगवान से भी दिल हटा बैठे। जो हमें सर्व सुख दे रहा था, सब सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, हम उससे हटकर इसके ऊपर आसक्त हो गए। तो पुण्यात्माओं यही बीमारी, यही स्वभाव आप और हम सभी को वहाँ से लगी थी। जैसे यहाँ के हीरो और हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए एक्टिंग करते हैं, अदाएं करते हैं, उछल कूद करते हैं, और ये युवा वर्ग बच्चे उनको देखकर इतने आसक्त हो जाते हैं, पूछो मत। और यदि कोई हीरो या हीरोइन यानी कोई अभिनेता या अभिनेत्री यहाँ बरवाला में आ जा या हिसार में आ जावे, फिर देखो इन बच्चों के, कॉलेज वालों के और जवान बच्चों की वहाँ कैसे भीड़ उमड़ कर जाती है, और कम से कम 200 300 400 फुट से दूर खड़े खड़े देखते हैं कि देखो वो खड़ा, वो है वो फलाना नेता अभिनेता, वो खड़ी वो है फलानी अभिनेत्री। अब वो तो अपने पेट के लिए कर रहा है सारा सारे काम, और वो बच्चे बेमतलब वहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए, लेना एक न देने दो, क्या देगा उनको वो, और धक्के खा के सामने भूखे अपने वापस आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इस काल पर आसक्त हो गए और भगवान से हमारा हृदय हट गया। परमेश्वर कबीर देव जी ने बहुत बार आकाशवाणी की कि कोई भी इस ज्योत निरंजन के इस ड्रामे को मत देखे, इस पे प्रभावित ना हो, आप अपना मालिक में ध्यान रखो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए, जैसे हम बिल्कुल इसको नहीं चाहते, लेकिन अंदर से कसक नहीं गई, वो तो अंतर्यामी है परमात्मा। तो उस समय
परमात्मा के बार बार कहने पर भी हम इस काल से अपना मन नहीं हटा सके, अपनी आत्मा को नहीं हटा सके और अंदर से इसमें चाह बनी रही। अब इसने तीसरी बार जब तप शुरू किया, इसने परमेश्वर से चाहा कि मैं कुछ आत्मा प्राप्त करूं। जब परमेश्वर ने इससे पूछा, जब इसने 64 युग तप कर लिया तीसरी बार, तब पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन? जो आपने मांगा था वो मैंने आपको दे दिया, अब तू क्यों हट कर रहा है? तब इसने कहा, ज्योति निरंजन ने यानी शर पुरुष ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मैं अकेला वहाँ नहीं रह सकता, 21 ब्रह्मांडों में अकेला कैसे रहूँगा? तब परमेश्वर ने कहा कि भी देखो, तेरे तप के बदले में 64 युग जो तप किया है इसके बदले में और राज्य दे सकता हूँ, और वस्तु मांग ले वो दे सकता हूँ, लेकिन ये आत्मा नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है। अब ये मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरा अंश है, अपने अंश को मैं कैसे दे सकता हूँ? लेकिन परमात्मा ने एक ऑप्शन रख दिया कि इसमें एक ऑप्शन है कि यदि वो स्वयं स्वइच्छा से कोई जाना चाहता तेरे साथ तो जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको नहीं डाल सकता कुएं में। तब ज्योति निरंजन हमारे पास आया, ये क्षर पुरुष हमारे पास आया। जितनी आत्माएं आज इसके ब्रह्मांडों में हम कैद हो गए या कष्ट उठा रहे हैं, ये सभी आत्माएं इसके चारों तरफ उमड़ कर खड़ी होगी। जैसे हीरो आता है, अभिनेता आता है। इसने कहा हमसे कि मैंने पिताजी से 70 युग तप करके बहुत बड़े ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ पर स्वर्ग बनाऊँगा, महास्वर्ग बनाऊँगा, हीरे पन्ने लालों के मैं पहाड़ बनाऊँगा, वहाँ दूधों की नदी बहाऊँगा, और तुम चलोगे मेरे साथ? अब हम तो पहले ही उसको चाह रहे थे, चाहे वो कुछ भी ना बनाता, उसको चाह रहे थे, उसके ऊपर आसक्त हो चुके थे। तो सभी ने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने को, लेकिन यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम जा सकेंगे। इस क्षर पुरुष ने परमेश्वर कबीर देव जी से, पूर्ण ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से प्रार्थना की, आकर के वापस प्रभु के पास जाकर के करबद्ध खड़ा होकर के कहा कि परमेश्वर कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को सहमत हैं। परमात्मा ने कहा, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा कि मेरे सामने हाँ भरवा दे तब मैं मानू, तो भेज दूंगा। अब परमेश्वर आए, कबीर देव जी हमारे पास, साथ में ज्योति निरंजन भी आया। परमेश्वर कबीर देव जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि आत्माओं जो ज्योति निरंजन के साथ यानी क्षर पुरुष के साथ जाना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करके स्वीकृति दे। अब अपने पिता के सामने हिम्मत नहीं पड़ी किसी भी आत्मा की इतना ढीठपना करें, सब ने नीची गर्दन कर दी। तब परमेश्वर ने कहा कि अरे ज्योति निरंजन, अरे क्षर पुरुष, आप तो कह रहे थे कुछ आत्माएं तैयार हैं, ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, सन्नाटा छा गया। तब एक आत्मा सबसे पहले खड़ा हुआ, उसने सोचा कहीं आम रह जावा यहीं पर। उसने खड़ा होकर कहा कि पिताजी, हाँ उसने हाथ खड़ा किया कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो आम जैसे सारे सोचा कदे हम पीछे रह जावें, हमने भी सब न कर दिया, ऐसे सब ने हाथ खड़े कर दिए। जितने भी खरबों अनगिन यहाँ पर आए हुए हैं, अकाउंटिंग नहीं कर सकते, इतने जीव आ गए इसके अलावा से। परमात्मा के पास तो सब अकाउंटिंग है, सब उनकी डिटेल है, लेकिन हम नहीं कर सकते जीव संज्ञा। जितने भी 21 ब्रह्मांड में प्राणी हैं ये सब सतलोक से आए हैं, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, रंक है या राजा है, किसी भी पशु पक्षी की योनि वो जीव जंतु की भोग रहा है। तब परमेश्वर ने कहा भी ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन ने तेरे साथ आने का हृदय से चाह की है, सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हैं, उनके सबके नंबर नोट मैंने कर लिए,
वो मेरे पास है, आप जाओ अपने ब्रह्मांडों में, क्योंकि ये ब्रह्मांड पहले वहीं थे सतलोक के एक लास्ट कोने में, बिल्कुल एकांत स्थान पर सतलोक में, और हम रह रहे थे उस मेन सतलोक में। जैसे एक तो बाहरी विलेज हों दिल्ली क्षेत्र के, दिल्ली राज्य के, एक शहरों का स्थान बीच में मध्य स्थान हो, हम वहाँ रह रहे थे, और इस काल के थे बाहर, बाहरी दिल्ली समझ लो, वहाँ 21 ब्रह्मांड थे। ये निरंजन चला गया वहाँ पर अपने ब्रह्मांडों में, ये क्षर पुरुष, इसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, इस काल इसको काल भी कहते हैं, आगे चल के ये इसके कई नाम रखे जाएंगे इसी कहानी में। तो उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम हाथ खड़ा किया था, स्वीकृति दी थी क्षर पुरुष के साथ जाने की, परमेश्वर ने उसका एक युवा स्त्री रूप बना दिया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई, और सभी आत्माएं जो उसके साथ आना चाहती थी सविच्छा से स्वीकृति दी थी, उन सब को बीज रूप बनाया अपने वचन से, और दुर्गा के अंदर प्रवेश कर दिया। जैसे आजकल तो इस मार्ग को समझना बहुत आसान है, ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, जैसे बताते हैं कि एक ग्राम ब्लड में बिरानी कितने 80 लाख, बिरानी 50 लाख जीवाणु तो एक टाइप के होते हैं, अन्य और टाइप के, और उस ब्लड को दूसरे में डाल दिया जाता है या तो वो और बढ़ जाते हैं, दूसरे में डाले जा सकते हैं ऐसे जीवाणु भी। तो ऐसे ये व्यवस्था समझो, परमात्मा ने इस लड़की जो युवा बनाई थी उसका नाम रख दिया प्रकृति देवी, उसको माया भी बोलते हैं, आदि माया, प्रकृति देवी कहो आदि माया कहो। आगे चल के यही अष्टंगी कहलाई और यही दुर्गा कहलाई। अब इसको श्री दुर्गा कहें, श्री दुर्गा जी के शरीर में प्रवेश कर दिया सभी आत्माओं को, और कहा बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है। परमेश्वर ने कहा कि बेटी मैंने तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, और सभी आत्माएं तेरे अंदर प्रवेश कर दी हैं, और आप वहां जाइए ज्योत निरंजन के पास, और जितने भी वो जीव कहे अपने वचन से उत्पन्न कर दिए नर और मादा, ये कहकर उतने ही वो सामने प्रकट हो जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने पुत्र सहज दास को, जो उन 16 पुत्रों में से जो सर्वप्रथम उत्पन्न किए थे उनमें से एक था, सहजदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को साथ ले जाओ और इस ज्योत निरंजन के पास छोड़ आओ, क्षर पुरुष के पास छोड़ आओ। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत निरंजन भी कहते हैं, यही आगे चल के गीता में जो कहता मैं काल हूँ ये वो काल है, वहाँ छोड़ आओ। क्षर पुरुष को बता देना कि परमात्मा ने, यानी मेरी तरफ से कह देना कि इसके शरीर में सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है, और इसको वचन दे दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, इसको शक्ति दे दी है, इसको वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा नर और मादा ये लड़की प्रकृति देवी ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास पिताजी के आदेश को सिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योत निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया, उस लोक 21 ब्रह्मांडों में, उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा इस श्री देवी के शरीर में, वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहाँ छोड़कर
वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहाँ पर प्रकृति देवी और ये ज्योत निरंजन अर्थात छर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी छर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ दुर्गा के साथ श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे बड़े भाई हो, आपका आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से सतपुरुष से अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी लेकिन इस छर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने, सूक्ष्म रूप बनाया इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको, अपनी इज्जत रक्षा के लिए अपने कौमारीय की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज़ लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योत निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है, तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निंगल लिया है और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा, तू काल नाम से जाना जाएगा और 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार क्रिया करेगा और 125,000 उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा, और आज से तुझे यहां से देश निकाला दे दिया है परमपिता परमेश्वर ने, सतलोक से निकाल दिया तुम्हारे को 21 ब्रह्मांड समेत, दोनों भाग यहां से निकल जाओ तुम। इतना ही कहा था उसी समय ये 21 ब्रह्मांड वहां से ऐसे चल पड़े जैसे विमान सफीड पकड़ लेता है। और इस प्रकृति देवी से दुर्गा से परमात्मा ने कहा कि बेटी तुमने अपने पैर पर आप कवाड़ा मारा है, अब तुम सब इच्छा से इसके साथ जा रहे हो और पिताजी के दिल से तुम उतरगी, क्योंकि वहाँ परमात्मा अपना रूप बदले हुए खड़े थे, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले और सत्यलोक से बाहरी क्षेत्र से सीमा से 16 शंख कोश जैसे अरब खरब हैं, नील पदम 10 पदम फिर शंख 10 शंख ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किलोमीटर का होता है, 48 शंख किलोमीटर समझो, ये 21 ब्रह्मांड आगे। अब ज्योत निरंजन ने सोचा कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो चुका है और मैं यहाँ का फुल फ्लेज हो गया, इंडिपेंडेंट हूँ, अब अपनी मर्जी चलाऊंगा। इसने फिर से उस दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार शुरू किया, श्री देवी के साथ।
श्री देवी ने दुर्गा ने फिर कहा कि ज्योत निरंजन यानी छर पुरुष तू आँख खोल ले, देखो परमात्मा ने मुझे शक्ति दी है, वर्ड पावर दी है, शब्द शक्ति दी है, मैं वचन से जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी तेरे यहाँ संसार के लिए। तो ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ मत कर, लेकिन ये नहीं माना। दुर्गा ने फिर याचना की कि देख पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, और दूसरे मैं तेरे पेट से निकलकर तेरे शरीर से बाहर आई हूँ, मैं तेरी पुत्री होगी, तू किसी नाते की तो लाज रख ले। लेकिन इस ज्योत निरंजन छर पुरुष ने उसकी एक नहीं सुनी, तो उसमें परमात्मा ने इस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। फिर इस काल ने ज्योत निरंजन ने, ये तप से सिद्धियां भी आ जाती हैं, अपनी सिद्धि शक्ति से प्रजनन इंद्रिय बनाई, दुर्गा से बाई फोर्स विवाह किया और फिर इन तीन पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी, तमगुण युक्त शिव जी। इन तीनों को एक एक गुण युक्त कर दिया। एक एक गुण युक्त कैसे किया? इस काल ने एक ब्रह्मांड के ऊपर टॉप मोस्ट प्लेस पर शिखर में एक गुप्त स्थान बना रखा है। उस गुप्त स्थान में दुर्गा और इस काल के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता, तो वहां इसने तीन स्थान बना रखे हैं। उस गुप्त स्थान पर, गुप्त क्षेत्र में तीन स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जैसे किसी मकान में तीन कमरे हों, तीन कक्ष, एक कक्ष में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के चित्र लगे हों, और तीसरे में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों। जिसमें व्यक्ति उन अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा तो वहां जाकर उसका स्वभाव वैसा ही बन जाएगा, बट नेचुरल है। और फिर वो जाएगा उस जहाँ साधु संत फकीरों के चित्र लगे हैं, उन उसमें जाता है तो उसका एकदम विचार भाव बहुत ही विनम्र हो जाता है और भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब वो जिस कक्ष में सूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हैं, तो वहाँ जाते ही उसका अपने आप मनोबल उसी प्रकार का हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो ठीक इसी प्रकार इन तीनों पुत्रों को, रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को जब कैसे बनाया कि दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में, इस श्री देवी को पत्नी रूप में रखा, जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में निवास करने लगे तो उस समय इस छर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने अपने पांच मुख बना लिए और वहाँ रहने लगे। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो पंचमुखी हो गया, और जब तक वो उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहे, इन दोनों का मनोभाव ऐसा ही बना रहा, जिस कारण से वो सभी गुण ब्रह्मा जी में प्रवेश कर गए। और फिर बचपन से ही ब्रह्मा जी को इन्होंने कोमा में कर दिया, परवरिश जारी रखी। जैसे देखा है, एक बता रहा था जी, 10 वर्ष से एक लड़का कोमा में है, एक व्यक्ति का कोमा में, एक पाइप के द्वारा उसमें आहार पेट में भेज देते हैं, तो ऐसे रखते हैं, ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इनको सचेत कर देते हैं। अब दूसरे क्षेत्र जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये काल विष्णु रूप बना लेता है ये छर पुरुष, और अपनी पत्नी दुर्गा को वहाँ रखता है महालक्ष्मी रूप बना के। इन दोनों के संयोग से सतोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो वैसा ही सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर विष्णु जी को भी ऐसे ही ये कोमा में रखते हैं, युवा होने पर इसको भी सचेत कर देते हैं। फिर ये तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं, कौन? ये छर पुरुष और दुर्गा। अब श्री देवी का वहाँ रूप पार्वती जैसा बना लेते हैं, और स्वयं ये शिव रूप बना लेता, जैसे शिव जी का आप रूप देखते हो ऐसा ही,
तो शिव रूप बना देता है और उस तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमगुण युक्त हो जाता है। और जब वो पुत्र बड़ा होता है उससे पहले उसको कोमा में रखते हैं, उसी तरह युवा होने पर उनको सचेत कर देते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तीनों को इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करके फिर ये काल क्या कहता है, जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए और कार्य करने योग्य हो गए, सृष्टि की स्थिति ये संभालने योग्य हो गए, तब इस काल ने सर्व ब्रह्म ने सर्व पुरुष ने कहा अपनी पत्नी दुर्गा से कि आज के बाद मैं किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और आप जाओ नीचे इन लोकों में, किस ब्रह्मांडों में, और संभालो सारी सृष्टि को। अब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मैं तेरे बस पड़ गई हूँ, अपने पैर पे मैंने आपको हड़ा मार रखा है, कुल्हाड़ी मार ली, अब तू जैसे नाच नचाएगा मैं मुझे नाचना पड़ेगा। एक बात बता, मैं स्त्री अकेली कैसे इतने लंबे चौड़े ब्रह्मांड को चलाऊंगी, आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे सहयोग मिलेगा। तब उसने कहा कि मैं गुप्त रहूंगा, कभी किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, अपनी योग माया से छुपा रहूंगा, लेकिन मैं तेरा सहयोग पल पल पर देता रहूंगा, तू तो केवल निमित्त मात्र होगी, जो भी कुछ करूंगा मैं अपना आप करूंगा, मेरे कर्म अलौकिक होंगे। इतना कहकर दुर्गा को इन तीनों पुत्रों के पास भेज दिया। दुर्गा ने इन तीनों को सचेत किया, एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया प्रेरणा कर करके, तब इनसे कहा कि तुम तीनों कार्य करो अपना अपना, ब्रह्मा सृष्टि उत्पत्ति और विष्णु स्थिति और शिव संहार करो। तब इन्होंने कहा कि माता कहीं स्थान तो है ही नहीं, सब जल ही जल है, हम कहाँ रहेंगे, इनको वहाँ समुद्र के अंदर अक्षीर समुद्र में रखा हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि तुम चलो तीनों विमान में बैठो, इनको बहुत कुछ दिखाया, ऊपर के लोक लाख दिखाए सारे, फिर इन तीनों को की तीन राजधानियां बना रखी हैं, एक शिवपुरी, एक विष्णुपुरी और एक ब्रह्मापुरी। शिवलोक कहो से शिवपुरी कहो, ब्रह्मापुरी को से ब्रह्मालोक कहो, और विष्णुपुरी को से विष्णुलोक कहो। इनको तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, अपनी नारी स्थान दे दिए। फिर इनसे कहा कि तीनों से कहा कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आदेश दुर्गा को देता है ये ब्रह्म सर्वपुरुष सर्वब्रह्म, और दुर्गा इन बच्चों से कह देती है कि जाओ तुम सागर मंथन करो। आगे से काल ने सब व्यवस्था कर रखी थी, प्रथम बार जो सागर मंथन हुआ, इस काल ने क्या किया कि अपने श्वासों से चारों वेद छुपा दिए उसमें समुद्र में। सागर मंथन करने से वो चारों वेद बाहर आए, लिपिबद्ध हुए वे। जैसे दूध का प्रारूप कुछ होता है उसमें जामन लगा देते हैं, दही बनती है, दही को रिड़कते हैं तो मक्खन का कुछ और ही प्रारूप होता, फिर दोबारा लस्सी में नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार वो चारों वेद अपने आप बहुत सुंदर कमल के फूलों पर रखे हुए आए, ब्रह्मा ने चारों उठा लिए। अब वो वेद लेकर आए तो दुर्गा ने आकाशवाणी काल ने बता दिया था कि ब्रह्मा को कहो ये वेद पढ़े और मैं उसको अंदर से प्रेरणा कर करके कुछ अर्थ बताऊंगा। तो ब्रह्मा ने उससे पहले, ब्रह्मा और विष्णु और शिव वेद पढ़ने से पहले तीनों दुर्गा से पूछा करते थे कि माता हमारा पिता कौन है। दुर्गा को काल ने मना कर दिया था कि तू मेरा भेद नहीं बताएगी, उसी समय ये कह दिया था कि तू मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। अब उस काल के डर से, ज्योति निरंजन छर पुरुष के डर से दुर्गा ने सब भेद गुप्त रखा, अपने पुत्रों को बताया बेटा तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं ही तुम्हारी माता हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं ही सारी सृष्टि की रचनहार हूँ। तो बच्चों ने मान लिया जैसे माँ बताती है। जब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा उसमें देखा कि सृष्टि रचनहार तो कोई और है,
वो परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्मा ने पूछा, माता ये वेद कैसे मिले हमारे को? दुर्गा ने कहा, ये भगवान ने दिए हैं भाई, ये गॉड गिवन है। अच्छा, तो फिर ब्रह्मा ने कहा, माता वेदों में लिखा है कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, और आप कह रही हो कि तुम्हारा कोई पिता नहीं, वेदों में लिखा है कि उसी ने सब को सब की रचना की है, सबका रचनहार है, कुल का मालिक है, तो अब वेद झूठे नहीं हो सकते क्योंकि गॉड गिवन बता रही आप। अब दुर्गा फंस गई, अपना आत्मा कितनी झूठ बोल ले, सच्चाई ऊपर आए बिना रहा नहीं करती। कहते हैं, चोर चुरावे तोमड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे, में सच्चाई छह नहीं। फिर दुर्गा ने कहा, बेटा बात सुनो, वो निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा, और क्यों व्यर्थ प्रयत्न करते हो, वो निराकार है। अब ब्रह्मा ने कहा, माता अब आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया, पहले तो मैं आपकी प्रत्येक बात को सिरोधार्य करता था, सत्य मानता था, लेकिन आज आपकी बात में फर्क पड़ गया, अब मैं नहीं मानूंगा आपसे, मुझे परमात्मा चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जब से उस परमेश्वर से बिछड़ी है तभी से उसका अभाव महसूस कर रही है, और उसी समय से खोज में लग गए। यहाँ हम आगे जहाँ हम उसको जिस विधि से खोजना चाहते हैं वो मिल नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की, इस क्षर पुरुष तक के पाने की विधि लिखी है, उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की विधि इसमें ऑप्शन छोड़ रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है, जो वेद ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि उस परमेश्वर के बारे में कोई तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो, ये वेद भी यही कहते हैं। वेदों का सारांश गीता जी है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में भी यही कहा है, ये गीता ज्ञानदाता ये क्षर पुरुष है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है, वो भी यही कहता है कि उस परमात्म तत्व की जानकारी कि तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताओगे। तो वेदों में जो प्रमाण लिखा है, तो ब्रह्मा ने सोचा कि वेदों में लिखा है कि ओम का नाम है और ओम नाम से जाप करूंगा मैं, और हठ योग कैसे शुरू किया इसने? अब वेदों में हठ योग करना नहीं लिखा, जैसे तप करते हैं ये ऋषि महर्षि, ये नहीं लिखा कहीं पर भी, लेकिन वो तप कहाँ से ग्रहण किया, इस तप वाला जो हठ योग की साधना कहाँ से ग्रहण करी ब्रह्मा ने? ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुआ, श्री विष्णु जी के नाभि से कमल निकला और उसके ऊपर ये बैठे विराजमान पाया अपने आप को, काफ़ी समय तक उस डंठल को पकड़कर नीचे उतरा, ऊपर नीचे घूमया, कहीं और छोर नहीं मिला, तो वापस उस कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गया। तब आकाशवाणी करी क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा ने वो आकाशवाणी परमेश्वर की मानकर तप शुरू कर दिया। जब इसने हजार वर्ष तक तप कर लिया, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो, अब तप से बैटरी चार्ज होगी। तो अब ब्रह्मा जी ने सोचा, वेदों में जो लिखा है ये भी भगवान की वाणी, और जो मैंने सुना हुआ भी भगवान की वाणी, अब वेदों में जो ज्ञान है वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म का दिया हुआ है। 5 वेद दिए थे परमेश्वर ने इस क्षर पुरुष को, इसके अंतःकरण में फीड कर दिए थे। अब जैसे किसी अंतःकरण में फीड कर दिए तो समय रख दिया परमात्मा ने, उसके बाद वो अपने आप बाहर आए, आने थे वो बाहर, 5 आगे, लेकिन इसने देखा पढ़ करके 5वें वेद में बहुत जानकारी थी परमपिता की, सत्य पुरुष की, परम अक्षर ब्रह्म की, इसने उसको नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए। अब चारों वेदों को ब्रह्मा जी ने पढ़ा तो कहा, माता इसमें ओम नाम लिखा है और मैं परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि तेरा पिता तुझे नहीं मिला, तू कहाँ जा रहा है, तो तू क्या करेगा भाई, अगर तेरे को तेरा पिता नहीं मिला, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा कर रखी है तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुझे अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा यदि भगवान नहीं मिला, क्योंकि वेदों में लिखा ओम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया कि ओम कर्तु समर कल्वे समर कर्तुम समर, इसलिए ये ओम नाम है क्षर पुरुष का, ब्रह्म तक का, क्षर ब्रह्म का, और परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वेदों में ज्ञान नहीं है साधना का, लेकिन उसकी महिमा बहुत लिखी है,
तीन वेदों को पढ़ने वालों ने परमात्मा की महिमा तो पूर्ण परमात्मा वाली ग्रहण कर ली और साधना इस ब्रह्म वाली कर ली। जानकारी परम अक्षर ब्रह्म की अधिक है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सत्पुरुष भी कहते हैं, लेकिन उसके पाने का मेथड नहीं है, वे ऑफ वर्शिप नहीं है। वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, वो ओम नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में तीन मंत्र के जाप का प्रावधान है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविद समर्त है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में और 16 और 17 में विस्तार से विवरण दिया गया है कि इस संसार रूपी वृक्ष के तना कौन है, जड़ कौन है और शाखा कौन है, डार कौन है, पत्ते क्या है, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। और उसमें 16 और 17 श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में सर्वपुरुष अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र 29 में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा प्रभु, वो किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही सबका सृष्टि रचनहार है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी जानकारी वेदों में पाने की नहीं है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ये दास बताएगा, परमात्मा ने भेजा है उस इसी उद्देश्य से। वो ना होने से ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगा कर हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सर्वपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो, दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सर्वपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहाँ भेजी, लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज़ लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फ़ोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूँ, बहुत आवाज़ लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर, चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आँखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को, ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूँ, पिता के दर्शन हुए नहीं, माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे सकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा, अब कैसे चलूँ, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूँ। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी और यदि मैं झूठ बोलूँगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है तो फिर मैं मारी जाऊँगी, मेरे ऊपर ज़्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूँगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए,
और हमारे सामने होगी। उसने भी यही शर्त रखी इसी उद्देश्य से, कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये, और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ, दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है, क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो 3 बार लिखा है भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है, और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा असमंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो, आकाशवाणी अपने इंटरनल कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षर ब्रह्म ने कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो वी नम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर छोटा ठाक खड़ा हो जाता है, साची बता दो झूठ बोलते हो तुम, उन्होंने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कह रहा। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा, पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने तीनों को श्राप दे दिया, ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी, और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा, पर विद्वान कब आएंगे? तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था, उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात तो ऐसी लगी उसको वचन की। फिर दुर्गा ने विष्णु जी से पूछा कि पुत्र तू भी अपने पिता की खोज कर ले,
कहीं फिर बाद में सृष्टि के दौरान तुम समाधि ला के बैठ जा और सृष्टि क्रम में बाद आ पड़े। विष्णु जी चल पड़े पिता की खोज के लिए, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अपने आत्माओं प्रत्येक प्राणी ने अपनी जो डायरेक्शन कायम कर रखी है, सीमा कायम कर रखी है। जोटे ने भैंसे ने अपनी कर रखी है, जब दूसरा भैंसा आ जाता है लड़ मरे उसके साथ। कुत्ते ने अपनी सीमा बांट रखी है। ऐसे ही जो ही शेष नाग के लोक में विष्णु जी ने प्रवेश किया तो शेष नाग ने सोचा कि तेरे लोक में, तेरी जुरिडिक्शन में ये कैसे आ रहा है निर्भय होकर के, इसको किसी का खोप नहीं, मैं यहाँ का सम्राट हूँ। अब जो ही विष्णु जी निकट आए तो उसने 1000 फन ऐसे फैला लिए शेष नाग ने, और 1000 फनों से विष का फुहारा छोड़ दिया। जैसे धुंध हो जाती है ऐसे विष्णु जी के चारों तरफ उस विष के फुहारे का की धुंध होगी, और श्री विष्णु जी के शरीर पर, पूरे शरीर पर ऐसा पेंट हो गया काला, उस विष से काला शरीर हो गया। अब विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने ये क्या कर दिया, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, आगंतुक के साथ ये ऐसा दुर्व्यवहार करता है, मैंने इसको कुछ कहा नहीं, कोई इसको हानि पहुंचाई नहीं, मैं तो अपना कोई किसी खोज में आया था और इसका इतना दिमाग खराब है। अब विष्णु जी ने सोचा कि ला इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस नाग कीड़े को। जो ही शेष नाग को मारने के लिए आगे को चले विष्णु जी, आकाशवाणी की उस ब्रह्म ने, क्षर पुरुष ने, इनके पिता ने, कि विष्णु तुम ऐसे एक दूसरे को मारते रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, तुम वापस जाओ और कहीं पर मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊँगा, मैं दर्शन नहीं दूंगा किसी को, मेरी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता, और जाके अपनी माता को सच सच बता दे कि मुझे दर्शन नहीं हुए, यदि तू झूठ बोलेगा तो तेरा भी हरास ब्रह्मा जैसा होगा। और इस शेष नाग ने जो तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसका ऑयल, इसका टिट फॉर टैट, यानी इसका बदला तू द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में जाएगा, तब तू इसका बदला लेना, और अब इसको कुछ मत कहे। विष्णु जी को जब आकाशवाणी हुई, उसने परमात्मा की आकाशवाणी मान के वापस माँ के पास आ गया। दुर्गा ने पूछा, बेटा तूने अपने पिता के दर्शन हुए? विष्णु जी ने कहा कि नहीं माता, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। और माता ने पूछा, फिर तेरा हाल ऐसा कैसा हो गया कि ऐसे ऐसे शेष नाग के लोक में चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और आकाशवाणी में कहा है कि इसको अब मत मार, द्वापर युग में जब तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा तब तुझे इसका बदला दिलाऊंगा। अब दुर्गा ने विष्णु जी को सीने से लगा लिया कि बेटा तेरे को सतीथि का विभाग दिया जाएगा और तेरी पूजा जग में होगी और तू बहुत सच्चा व्यक्ति है। अब तीसरे शिव जी के पास दुर्गा गई अपने पुत्र के पास और कहा, बेटा तेरे दो भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, उन्होंने खूब ट्राई कर ली, अब आप भी खोज कर लो अपने पिता की, कहीं फिर बाद में सृष्टि क्रम शुरू हो जाए उसके बाद तुम जाओ कि संन्यास धारण करो, अभी जाके खोज कर ले। भगवान शिव जी ने, शंकर ने समझदारी की, कहा, माता जब मेरे दो बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने तो 4 युग समाधि भी लगाई और विष्णु जी ने वैसे घूम घाम कर ढूंढना चाहा, तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता माता, पर मुझे एक वरदान दे दो, दुर्गा से शिव जी ने कहा, तमोगुण शिव ने कहा कि मुझे एक वर दे दो माता कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, मैं अमर हो जाऊं। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, श्री देवी ने कहा कि पुत्र यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, ये मेरे बस से बाहर की बात है, लेकिन मैं तुझे एक विधि बताती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे अधिक हो जाएगी,
तो भगवान शिव ने कहा कि माता वही कृपा कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा इस आयु के बढ़ाने का एक विधि है, तरीका है कि प्राणायाम करके श्वास को सूक्ष्म कर ले, एक स्थान पर बैठा रहे और सूक्ष्म श्वास कम से कम लेने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि आयु श्वासों पर आधारित है। तो भगवान शंकर ने यही सिरोधार्य किया, अग्रदय से आपकी आज्ञा। आप देखते हो ज़्यादातर भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं, इनकी आयु भी सबसे लंबी है। सात ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, सात विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की, इसकी इतनी लंबी आयु है। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है, और इतनी ही रात्रि। एक चतुर्युग में कितने वर्ष है हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे सातगुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से सातगुना तमगुण शिव जी की, इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहाँ इनका विवाह करने के लिए तू ही तीन रूप बना करके तीन लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने तीन रूप बनाए, गुप्त और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो तीन लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना अलग अलग, दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको माँ के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली, उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहाँ से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई, इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ, इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्माओं, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे, वो इन वेदों में, इन पुराणों में नहीं है, वो सूक्ष्म वेद में है, पांचवें वेद में। पुण्यात्माओं, अब ये है वो सृष्टि रचना जो पांचवें वेद में है, सूक्ष्म वेद में। अब पांचवें वेद का हमें पता नहीं था, आदि शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रची पुस्तक में उस सूक्ष्म वेद का, पांचवें वेद का वर्णन किया है, और उन्होंने अपने द्वारा रची उस पुस्तक में उसको मेंशन किया है, समय आने पर दिखाएंगे। अपरमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले सन 1398 में वो सह शरीर आए थे, सतलोक से चलकर एक शिशु का रूप धारण किया था। काशी शहर में बने एक लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए थे प्रभु, और ये पांचवा वेद प्रदान करने के लिए आते हैं अपने मुखारविंद से। और उनको एक निसंतान जुल्हा दंपति उठा ले गए थे,
जुलाहे के घर प्रभु प्रवेश की लीला करते हुए बड़े हुए, वही कार्य करके दिखाया जनता को, क्योंकि ऐसी परमात्मा लीला किया करते हैं। वेदों में ऐसा ही लिखा है कि वो परमात्मा आता है प्रत्येक युग में, और ऐसे मनुष्य जैसे एक जीवन, मनुष्य जैसे कर्म करके ये लीला करता हुआ अपना निर्वाह करके दिखाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 17 में। तो फिर परमात्मा ने वो वाणी आज से 600 वर्ष पहले अपने मुख कमल से गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, जिसके विषय में कहा है कि धार्मिक यज्ञों यानी अनुष्ठानों की अत्यधिक जानकारी विस्तार के साथ सत्य जानकारी सही जानकारी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुखे माने उसके मुखारविंद से उच्चारित वाणी में बिल्कुल विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है, उसको जानने के बाद फिर सभी कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी डले डोने बंद हो जाएंगे, गलत साधना आप नहीं करोगे। परमेश्वर कबीर देव जी उस समय कहा करते थे इन नकली गुरु आचार्यों से, मंडलेश्वरों से, कि तुम जनता को गुमराह कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं। परमात्मा कहा करते इनके माता पिता हैं, ये जन्मते मरते हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था परमेश्वर का उन झूठे आचार्यों ने, उन नकली गुरुओं ने। कबीर परमेश्वर के बारे में बहुत गलत धारणाएं पैदा कर दी कि ये झूठा है, अशिक्षित है, इसने वेदों गीता को पढ़ा नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं जानता, अशिक्षित व्यक्ति है, ये क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के बारे में, ये झूठ बोल रहा है, इसकी मत मानना मत सुनना। उस समय तो हम धोखा खा गए जनता वाले, क्योंकि हमारे आचार्य जो हैं, जो गुरु लोग थे, ब्राह्मण ऋषि थे, वो संस्कृत भाषा जानते थे। तो हमने ये सोचा कि ये सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं, लिखे हैं, तो कबीर जी संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि ये किसी ब्राह्मण के पास पढ़े नहीं, इसलिए कबीर जी झूठ बोल रहे होंगे, ये हमारे गुरु, ये आचार्य, ये सत्य कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के उस ज्ञान को हमने स्वीकारा नहीं, और उसी का खामियाना आज तक भुगत रहे हैं। हम भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त है, वो परमात्मा का ज्ञान नहीं है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में क्या बोला था, क्या बताया था, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से 21 तक, उसमें कहा कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में स्पष्ट किया है परमात्मा से कि वह शिशु रूप धारण करता है, और जब वो शिशु रूप में आता है परमात्मा, तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है, और वो परमात्मा तत्व ज्ञान यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ वर्णीय आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको फिर तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। उसी आधार से परमात्मा जो लीला किया ही करते हैं, उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गाँव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे, जो बांधोगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहाँ परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, पर अब तो नहीं है वो,
या तो घुमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो। आपके सदग्रंथों में लिखे हैं, उन सदग्रंथों से ढूंढो। क्या बताया भगवान ने, धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई थी, आदरणीय धर्मदास साहब जी को, परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने जो कथा दास ने आपको सुनाई, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहब जी को सुना रखी थी, उसमें से दास ने आपको सुनाया। अब ये उनकी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, कबीर सागर में लिखा है, उससे पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। वो कबीर वाणी कहलाती है, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद से उत्तरित उस अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है। धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पुद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम निहारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भ्रम नसाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चेताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कबीर जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुझे तुम्हारे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा, बोला, वो लिखा गया, और यही अभी आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच हे भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने, हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन अध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है वो शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई सब संशय तुम रे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊँगा, उससे मैं सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है, और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा, और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है, प्रमाण देखकर भी नहीं मानना तो अनाड़ी व्यक्ति है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन छर पुरुष छर ब्रह्म ये काल है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। पहले तो कहते हैं ज्योत निरंजन छर ब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ,